हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो लिब्रा कैल्क का है और कैल्क में बहुत तरह की समस्याएं आपको आ सकती हैं। अगर आप कहीं स्कूल में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहे हैं तो वहाँ कैल्क आपको देखने को मिलता है, वहाँ एक्सेल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो सपोज टू बी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उस कंडीशन में बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने भी इस चीज़ को फेस किया है। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरा डेटा अगर आपको प्रिंट करना है, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से आप प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, लाइक कंट्रोल पी प्रेस करते हैं या यहाँ पर जा करके फाइल पे, और फिर यहाँ पर आपको मिलता है प्रिंट प्रीव्यू। तो यहाँ पर आप जैसे ही जाते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर ये पूरा डेटा आपको प्रिंट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये ऊपर शीट वन दिखाई पड़ रहा है और नीचे पेज वन दिखाई पड़ रहा है, तो ये हेडर और फुटर ऑटोमेटिकली प्रिंट हो रहा है। तो अगर आप ये नहीं चाहते कि ये हेडर और फुटर आए तो आपको क्या करना चाहिए, ये सब बात करेंगे। या फिर डेटा आपका काफी बड़ा हो और आपको केवल इतना ही प्रिंट करना हो, जैसे मान लीजिए ये रेंज है ना, मैंने सेलेक्ट किया और आपको केवल इतना ही प्रिंट करना है, तो अभी क्या करेंगे, कैसे ये इतना ही प्रिंट होगा? तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहां से फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट पे जाने के बाद यहां आपको मिलेगा प्रिंट रेंजेस, तो यहाँ पे आप डिफाइन कर दीजिए रेंजेस, ये डिफाइन कर दिया आपने। अब देखिए डिफाइन करने के बाद आप, और जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आए और यहाँ पे लाइक प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं इसका, तो देखिए जितना आपको प्रिंट करना है केवल उतना ही ये प्रिंट करके दिखाएगा। देखिए, देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हेडर और फुटर की, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है हेडर फुटर ऑप्शन, ये आपको दिखाई पड़ रहा है हेडर एंड फुटर्स। तो आपको जो ऊपर प्रिंट होके आ रहा था शीट वन, तो ये देखिए ये शीट वन है, इसको आप हटा देंगे तो कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, तो इसको हटा दीजिए एक बार। और फुटर पे जो पेज प्रिंट हो रहा था पेज हटा दीजिए, तो ये पेज वन लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको नन कर दीजिए यहाँ से और बस ओके कर दीजिए आप। अब यहाँ से अगर आप प्रिंट निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर प्रीव्यू मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर जाइएगा, तो यहाँ पर आपको सिंपली प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट ओ, प्रीव्यू के लिए कंट्रोल शिफ्ट और ओ प्रेस करना है। तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा, तो ये देखिए ये प्रिंट प्रीव्यू आ गया। तो ये प्रिंट प्रीव्यू जब आएगा तो देखिए इसमें अब हेडर फुटर नहीं आ रहा है प्रिंट होकर, तो ये बहुत आसान है, ठीक है, कुछ भी कितना भी एरिया आपको प्रिंट करना हो, जैसे मान लीजिए जो रेंज डिफाइन किया था उसको अब हटा देना है, ठीक है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आइए प्रिंट रेंजेस पे, ठीक है, तो इसको पहले क्लियर कर दीजिए, तो एक बार क्लियर कर देंगे तो ये हट जाएगा। अब फिर मान लीजिए इतना हमको प्रिंट करना है, पहले तो तीन सब्जेक्ट आ रहा था, अब ये देखिए पूरा एसएसटी तक ले लिया मैंने। अब यहाँ पर आपको जाना है, क्या करना है, फॉर्मेट पे जाकर के फिर वापस से डिफाइन करना है इसको, तो प्रिंट रेंजेस पे चले जाइए और यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए इसको। डिफाइन कर दिया, काम हो गया है आपका, देखिए यहाँ तक ये आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए अगर मैं प्रिंट इसका निकालने की कोशिश करता हूँ तो क्या होता है, तो यहाँ से अगर मैं जाता हूँ तो अभी भी तीन ही सब्जेक्ट हमको दिखाई पड़ रहे हैं, तो अगर इसको मैं छोटा करता हूँ तो ये देखिए यहाँ से ये जूम काफी ज्यादा हो गया था जिसकी वजह से ये नहीं दिख रहा था, तो एसएसटी तक पूरा दिख रहा है ना, देखिए ये एसएसटी है, तो आई होप कि बात आपके समझ में आ रही होगी, देखिए पूरा दिख रहा है एसएसटी तक का, दिख रहा है ना, यहाँ से ये जूम इन जूम आउट कर सकते हैं आप, तो आई होप की बात समझ में आई होगी। अब देखिए, अब मान लीजिए, ठीक है, लाइक ये कंप्यूटर और एसएसटी ही केवल चाहिए मान लीजिए, तो ये पूरा इसको सेलेक्ट कीजिए इस तरीके से, और सेलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ जाना है, फॉर्मेट पे जाना है, और फॉर्मेट पे जाने के बाद प्रिंट रेंजेस पे जाना है और इसको क्लियर कर दीजिए, जो भी आपने लिया है ना पहले सेलेक्ट करके क्लियर कर दीजिए, ये पूरा सेलेक्ट किया हमने, कहीं भी होगा तो ये क्लियर हो जाएगा, तो ये हो गया। और यहाँ पे आ जाइए और यहाँ से इसको ये आप क्लियर, तो पूरा क्लियर हो ही गया है। अब हमको डिफाइन करना है, तो मान लीजिए कि आपको केवल नेम प्रिंट कराना है, ठीक है, या केवल आपको ये कंप्यूटर के मार्क्स या केवल टोटल कराना है, कुछ भी एक एरिया आप ले लीजिए स्पेसिफिक, तो ये ले लिया हमने सिलेक्शन में। और अब यहाँ पे फॉर्मेट पे जाइए और फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि ये प्रिंट रेंजेस हाईलाइट हो गया है और यहाँ पे आप डिफाइन कर दीजिए इसको, डिफाइन आपको करना है, तो ये डिफाइन कर दिया आपने। अब डिफाइन करने के बाद वापिस आ जाइए यहाँ पर, और यहाँ पर आप शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो प्रिंट प्रीव्यू करिएगा तो देखिए ना खाली एक तो प्रिंट हो रहा है, ये टोटल वाला जो सेलेक्ट हमने किया था आपको अभी दिखाया था ना मैंने टोटल, तो देखिए टोटल वाला ही केवल प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है और आई होप कि इससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।